गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 40 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 40 न्यू फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कैसे कर सकते हैं और स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कैसे कर पाएंगे मोटो एज 40 न्यू फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर। तो आज हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन एड्स वगैरह को आप कैसे हटा सकते हैं मोटो एज 40 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, स्क्रीन एड्स वगैरह को कैसे हटा पाएंगे, रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने फ़ोन में, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपसे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही आइकन से ओपन हो जाएंगे। तो कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं और हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग्स शो हो रही है तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए स्क्रीन एड्स को आप रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने फ़ोन में, और स्क्रीन एड्स को रिमूव करके अपने फ़ोन से स्क्रीन एड भी हटा पाएंगे। देख सकते हैं कि बस आपको ऐप सेटिंग्स पे जाना है, फिर ऐप सेटिंग्स पे जाकर शो ऑल ऐप्स को ऑन कर लेना है। जिस भी ऐप्स की स्क्रीन पे एड्स आ रही हैं उस ऐप्स का आपको डाटा है यहाँ से क्लियर कर देना है, क्लियर स्टोरेज कर देना है, जिससे किसी भी गेम्स ऐप्स की एड्स भी आपके स्क्रीन पे शो नहीं करेगी और स्क्रीन एड्स से आपके फ़ोन से हट जाएंगे। तो इस तरीके से भी स्क्रीन एड्स को आप हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपने फ़ोन में। और आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से प्राइवेसी पे जाकर भी अपने फ़ोन में ऐड सेटिंग्स वगैरह को रीसेट कर सकते हैं और स्क्रीन एड्स को भी रिमूव कर पाएंगे अपने फ़ोन में। तो इस तरीके से भी स्क्रीन एड्स को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने फ़ोन में यहाँ से डिलीट करके, रीसेट करके एड्स वगैरह की सेटिंग्स को। तो आपको वीडियो तो आपको लगे अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।